मेरी जो आइडेंटिटी है वो मैं खुद बना सकती हूँ, मैं खुद ढूंढ सकती हूँ कि मैं किस तरह की एक्टर हूँ। डेफिनेटली ज़्यादा टफ हुआ है, ज़्यादा डिफ़िकल्ट हुआ है मेरे लिए। इमोशनली बहुत ही डिफ़िकल्ट करियर है, इस तरह के रिजेक्शंस फेस करना, लेकिन कुछ एक दो कॉम्प्लीमेंट भी दे दीजिए, नहीं तो बुरा तो बहुत लगता है। जो स्टार किड्स हैं उसमें आई डोंट सी माई सेल्फ, मैं आई डोंट थिंक मैं उस ग्रुप में हूँ। राज से मैंने डेडिकेशन सीखा है, वो हमेशा एक जोक बताती है, वो सबसे बात करती है, वो जब हम बैठते थे तो वो गेम्स खेलना शुरू करती थी वगैरह। फैमिली मैन में उन्होंने जिस सॉफ्टनेस और ईज से वो कैरेक्टर प्ले किया है, जो इतना फनी और इतना हिलेरियस। Hi Zen and welcome to First India. First of all, congratulations for the Monica Oh My Darling trailer and it's creating a lot of buzz and interaction. और आपके रोल को हमेशा की तरह वो अलग निकल के आ रहा है जबकि इतना ऑनसेम्बल कास्ट है, किस तरीके से इसको लेते हो आप? I am very excited क्योंकि मैं अपने काम को बहुत सीरियसली लेती हूँ, मैं बहुत प्रिपेयर करती हूँ, तो जब जब मेरी फिल्म रिलीज़ होती है तो आई गेट वेरी एक्साइटेड एंड नर्वस कि लोग देखेंगे उनको कैसा लगेगा। सो आई एम बहुत सारे इमोशंस चल रहे हैं एक्चुअली अभी मेरे अंदर। और क्योंकि जैसा मैं बोल रहा हूँ बहुत ऑनसेम्बल कास्ट है, राजकुमार राव, उमा कुरैशी या बहुत सारे लोग, उसमें अलग निकल के आना उसके लिए कितनी मेहनत लगती है? प्लस करियर के शुरुआती दिनों में ही वो थ्रिलर भी है लेकिन उसके साथ साथ कॉमिकल एंगल भी है, वो सब करने को मौका मिल रहा है, इसको लेकर क्या कहना चाहोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक कि अगर अपना काम सिंसियरली करें तो यू विल स्टैंड आउट। आई फील कि अगर काम अच्छा है देन डेफिनेटली इवन इन एन एनसेंबल कास्ट यू विल स्टैंड आउट। एंड ये बहुत ही एक्साइटिंग जॉनर है, ये थ्रिलर लेकिन थोड़ी सी कॉमेडी भी लेकिन काफ़ी डार्क भी है, ये बहुत एक्साइटिंग स्पेस है एंड आई थिंक ऑडियंसेस को बहुत मज़ा आएगा। ये जो है थ्रिलर और सस्पेंस, शायद ये आपको पीछा नहीं छोड़ रही है ऐसी चीजों में, इसके पहले में से सीरियल किलर में भी आप थी, तो ये मतलब क्या क्या, क्योंकि क्या होता है कि एक चीज आपने कर ली और वो अच्छा अगर लोगों ने पसंद कर लिया तो वैसे रोल्स मिलने शुरू जाते हैं, इसकी वजह से या फिर आप? नहीं एक्चुअली क्योंकि मिसेस सीरियल किलर में फिल्म्स के जॉनर जो है काफी शायद सिमिलर हैं, लेकिन जो मेरे कैरेक्टर्स है वो सिमिलर नहीं है। मिसेस सीरियल किलर में काफी पंक गॉथ, वो कलर्ड बाल और पियर्सिंग्स और टैटूज वो सब हैं, और इन मोनिका माय डार्लिंग एक्चुअली मेरी कैरेक्टर बहुत ही सीधी साधी प्यारी सी लड़की है, जो कुछ एक बहुत बड़ा ड्रामा हो जाता है वो बीच में फंस जाती है, तो वैसे कैरेक्टर्स बहुत अलग है। और करियर की शुरुआत कपूर एंड सन्स जैसी फिल्म से की थी, वो एकदम अलग वो थी, अभी तक के जर्नी को लेकर आप क्या कहना चाहोगे अपने? आई थिंक मैंने कुछ कोशिश किया अपने करियर के साथ कि मैं अपने आप कुछ मैं अपने आप कोशिश करूं अपना करियर बनाना, अपना नाम बनाना, तो आई थिंक काफ़ी अच्छा गया है। मुझे उम्मीद नहीं थी जब मैंने शुरू किया, जब मैं कुछ 4 साल पहले मैं ऑडिशंस कर रही थी, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं यहाँ पहुँचती। एंड आई थिंक मुझे अच्छा लगता है कि मैंने खुद ये सब पाया है, ये जो भी काम मैं कर रही हूँ ये मेरा काम है। ये बहुत कमाल की बात है क्योंकि आपके फादर, आपके अंकल सब इंडस्ट्री में और सब इतने बड़े नाम हैं, लेकिन जब तक मैं आपके बारे में रिसर्च न करूं तब तक पता नहीं चलता कि आपकी लीनेज क्या है, किन के साथ आप जुड़े हुए हो। ये आपने मतलब अपने दम पे ये जो इंडस्ट्री में कदम दर कदम आगे बढ़ रही है, ये सोची समझी हुई चीज है क्योंकि आपको खुद के दम पे सब करना है? हाँ आई थिंक शायद मेरी फैमिली ऐसी है क्योंकि उन्होंने इमोशनली बहुत सपोर्ट किया, और जब मेरा जब भी मेरी फिल्म रिलीज़ होती है या मेरी शॉर्ट फिल्म रिलीज़ होती है तो हम सब साथ में बैठ के देखते हैं, लेकिन उन्होंने एक इंडिपेंडेंस
छोड़ा है मेरे लिए, विच आई रियली अप्रिशिएट, क्योंकि फिर मेरी जो आइडेंटिटी है वो मैं खुद बना सकती हूँ, मैं खुद ढूंढ सकती हूँ कि मैं किस तरह की एक्टर हूँ, मैं किस तरह का काम करना चाहती हूँ, मैं किस तरह से लोगों के साथ इंटरेक्ट करना चाहती हूँ. मुझे उस पर ज़्यादा ओनरशिप है. तो डेफिनेटली ज़्यादा टफ हुआ है, ज़्यादा डिफ़िकल्ट हुआ है मेरे लिए, बट आई एम प्राउड ऑफ इट. क्या बचपन से ही एक्टिंग करना चाहते थे, क्योंकि वो फिल्मी माहौल था, या फिर ये कब कीड़ा लगा? नहीं, मेरी फैमिली एक्टिंग इनकरेज नहीं करती. उनको पता है कि काफ़ी काफ़ी डिफ़िकल्ट करियर है, इमोशनली बहुत ही डिफ़िकल्ट करियर है. इस तरह के रिजेक्शंस फेस करना, इस स्केल पे रिजेक्शंस फेस करना, पब्लिक आई में होना, ये चीज़ें आसान नहीं है. तो एक्चुअली मेरी फैमिली एक्टिंग इनकरेज नहीं करती. और जब मैंने उनको बताया कि मुझे एक्टर बनना है, तो अब्बू जो मेरे फादर हैं वो बहुत ही नर्वस थे, बहुत वरिड थे कि कैसा होगा. और आई थिंक काफ़ी सरप्राइजिंग था, क्योंकि पहले से शायद मुझे डायरेक्टिंग करना था, मुझे असिस्टेंट डायरेक्टर बनना था, मुझे प्रोड्यूसर बनना था. तो ये कुछ हुआ जो मैंने सोचा नहीं था, लेकिन हुआ. पहली बार कब ऐसा हुआ, मतलब कि फील हुआ कि अब एक्टिंग करना चाहिए? मैं कॉलेज में थी, मैंने चेन्नई में कॉलेज की थी, और मेरे सीनियर्स ने बोला कि हम एक प्ले बना रहे हैं, ऑडिशन कर लो. और मैंने बोला नहीं, मुझे एक्टिंग नहीं करना, मैं प्रोडक्शन करती हूँ, बैक स्टेज करती हूँ. तो उन्होंने बोला नहीं नहीं आप आ जाओ ऑडिशन के लिए. तो मैंने कर लिया, और मैंने कुछ सोचा भी नहीं, बस मज़े के लिए मैंने ये ऑडिशन की थी. और बाद में जब मेरा नाम आया शॉर्टलिस्ट में, और फाइनली मैं प्ले में थी, और मैं स्टेज पे गई, और ऑडियंस के साथ जो इंटरेक्शन था, मैंने कुछ बोला ऑडियंस हंस रही थी, मैंने कुछ बोला ऑडियंस को बुरा लग रहा था, वो जो इंटरेक्शन था वो आई थिंक मेरी लाइफ बदल गई उस दिन. नॉर्मली क्या होता है, आपके फादर इतने बड़े डायरेक्टर थे, इतनी कमाल की फिल्में बनाई हैं, आज तक वो जहन में लोगों को इतनी याद है, मतलब कई सारी फिल्में तो मेरी फेवरेट्स हैं. इंडस्ट्री में जब इतना बड़ा डायरेक्टर है तो वो अपने बच्चों को खुद लॉन्च करता है, लेकिन आपने उससे परहेज किया, या तो शायद क्योंकि आपके फादर खुद इतने मीडिया शाय, मैं एक तरीके से बोलूंगा, बहुत लाइमलाइट में नहीं रहते. वो चीज़ें जो नॉर्मली आमतौर पर क्लीशे सी हैं जो इंडस्ट्री में हम देखते हैं कि बच्चों को लॉन्च किया जाता है, वो आपके साथ नहीं हुई? नहीं, एक्चुअली ये मेरी फैमिली ऐसी है, स्पेशली मेरे फादर और मेरे मदर जो हैं वो बहुत ही प्राइवेट लोग हैं. आई थिंक दैट लाइक यू सेड, अबू इज़ वेरी मीडिया शाय, एंड उनका ये मानना है कि काम करना है तो खुद से करो, खुद कुछ बनाओ अपना. एंड आई थिंक देन एवरी वन विल नो कि यू डिजर्व इट, कि यू अर्नड इट योरसेल्फ, आपने खुद ये सब किया है. या आपको कभी कुछ फीडबैक मिलती है उनकी तरफ से? कुछ नुक्स या कुछ तारीफ? अबू काफी क्रिटिकल हैं मेरे काम को लेके. तो मैंने उनको बताया है कि कुछ अच्छा भी कहा करो कभी मेरे बारे में. वो उनको लगता है अंदर से, लेकिन वो अच्छी बातें नहीं बोलते. तो मैंने उनको इंकरेज किया है कि डेफिनेटली क्रिटिसिज्म भी दो, लेकिन कुछ एक दो कॉम्प्लीमेंट भी दे दीजिए, नहीं तो बुरा तो बहुत लगता है. लेकिन वो अभी करना शुरू वो अभी शुरू कर रहे हैं. उन्होंने कभी, क्योंकि वो भी इतने कमाल के एक्टर्स हैं, वो इतने जाना हुआ नाम है, वो कभी अपनी तरफ से कोई टिप्स या आपके कोई फीडबैक ऐसा उन्होंने दिया कभी? यू नो, मेरी जो पहली फिल्म थी मिसेस सीरियल किलर, मैंने ऑलमोस्ट 8 साल थिएटर की थी, बट मुझे पता नहीं था कि कैमरा एक डिफरेंट मीडियम होता है, तो कैमरा के साथ कैसे इंटरेक्ट करें, एंगल्स क्या होती हैं, कैसे एक्ट करें कैमरा के सामने, थोड़ा अलग होता है स्टेज और फिल्म. तो इमरान भाई ने एक्चुअली मेरे साथ बैठ के मेरे जो सीन्स थे मैं स्क्रिप्ट के साथ मेरे साथ किए. तो इमरान भाई ने जैकलिन का पार्ट किया और मैंने अपना पार्ट किया. और हाँ, तो थोड़ा सा धक्का मुक्की जो था हमने वो सब करके थोड़ा फिक्स किया कि थोड़ा एनर्जी बढ़ाओ यहाँ,
आंखों में ज्यादा होनी चाहिए, सब उन्होंने मुझे एक्चुअली काफी सिखाया वो पहले फिल्म के टाइम पे। इंडस्ट्री और खासकर मुंबई के होने की वजह से लोगों को ऐसा लगता है कि इनका कोई स्ट्रगल नहीं है, मतलब ऐसा लगता है, लेकिन आप खुद अपनी अपनी जर्नी के बारे में आपको क्या चीजें फेस करनी होती हैं आप कुछ बताना चाहोगे? आई थिंक दैट जैसे इंडस्ट्री के जो स्टार किड्स हैं उसमें आई डोंट सी माई सेल्फ, मैं आई डोंट थिंक मैं उस ग्रुप में हूँ, तो शायद मेरी कहानी थोड़ी अलग है। बट आई थिंक कि जब बहुत सारा प्रिविलेज होता है किसी की लाइफ में तब भी मुसीबतें भी होती है, एंड आई थिंक हम ये भूल जाते हैं। तो आई थिंक हमें हमेशा थोड़ा सेंसिटिव रहना चाहिए कि शायद जितना अच्छा दिखता है वो शायद उतना अच्छा है नहीं। सेट के बारे में कुछ बताइए, कैसा माहौल था, क्योंकि कमाल के सब एक्टर्स हैं। हाँ। और थ्रिलर है, लेकिन कितना फन हुआ, कितना या मुश्किल, कौन सा सीन था, क्या कुछ था बताइए। मेरे तो अब मैं क्या बताऊँ, मुझे पता नहीं, अगर मैं बोलूँ तो मैं कुछ गिव अवे करूँगी, लेकिन मेरे सारे सीन्स में बहुत इमोशनल हूँ, तो ये काफ़ी डिफिकल्ट था ये बैलेंस करना, हर दिन मैं आके इमोशनल हो रही हूँ, इट वॉज़ वेरी एग्जॉस्टिंग। बट सेट तो बहुत ही रिलैक्स्ड था, वासन जो डायरेक्टर हैं वो जिस तरीके से हर हर सीन में हर इंटरेक्शन में कुछ ऐड करते हैं, कुछ कुछ होता है जो स्क्रिप्ट में नहीं था, और आई थिंक उसकी वजह से सारे सीन्स थोड़े फुल हो गए। बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत एक्साइटिंग एंड फन थे एक्सप्लोर करने के लिए सेट पे। और राजकुमार और हुमा जैसे सीनियर एक्टर्स हैं, हाँ। उन लोगों से क्या सीखने को मिला? राज से मैंने डेडिकेशन सीखा है, क्योंकि वो बहुत ही कमाल के एक्टर हैं, बहुत ही टेक्निकली ट्रेन्ड एक्टर हैं, लेकिन फिर भी वो अपना काम बहुत सीरियसली लेते हैं। वो सेट पे आके जब हमारी सीन थी वो हमारे साथ लाइन्स करते थे बार बार, अगेन एंड अगेन, एक बार किया दूसरा अगेन अगेन, जब तक वो बिल्कुल एक फ्लो में आ जाए, हम दोनों के बीच बिल्कुल वो जो ब्रदर सिस्टर की केमिस्ट्री है वो अच्छे से यू नो दिखाई दे। सो ये मुझे लगा कि समवन हु सो अकम्प्लिश्ड फिर भी वो काम बहुत सीरियसली लेता है, एंड दैट वाज समथिंग आई फाउंड वेरी वंडरफुल अबाउट हिम। हुमा आई थिंक उनके इंटरव्यूज, उनके इंस्टाग्राम सबसे पता ही चलता है कि उसको वो बहुत ही फन, और वो हमेशा एक जोक बताती है, वो सबसे बात करती है, वो जब हम बैठते थे तो वो गेम्स खेलना शुरू करती थी वगैरह, तो उनका वो एनर्जी बहुत ही पॉजिटिव और रेडिएंट था सेट पे। और पहली इसके पहले जो फिल्म थी उसमें बहुत ही एकदम अलग बबली और अलग तरह का किरदार, और इस बार एकदम इमोशनल जैसा आप बता रहे हो, क्योंकि फिल्म आप जब कर रहे हो एज एन एक्टर तो अपना इमोशनली बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होता है उसमें, इन्वेस्ट करते हो, कोई ऐसा हिस्सा जो रह गया हो और उससे निकलने के लिए कैसे वो स्विच ऑन स्विच ऑफ मोड कैसे अपनाते हो आप? ये मुझे आई थिंक ये नेचुरली थोड़ा मैं हूँ वैसे, आई थिंक इट वुड बी वे टू टायरिंग टू टेक माई वर्क होम विथ मी, ये नेचुरली मैं स्विच ऑन स्विच ऑफ हो जाती हूँ। हाँ, वॉट इज योर ड्रीम रोल टाइप, कैसा होगा? बहुत सारे हैं लेकिन आई थिंक मुझे वर्दी में कुछ करना है, या तो पुलिस ऑफिसर का या आर्मी ऑफिसर का या यू नो एयरफोर्स, ऐसा कुछ मुझे वर्दी में काम करना है। लेडी दबंग श्योर क्योंकि उसमें थोड़ा वो अंदाज भी अलग है। आई थिंक दैट यू नो जब कोई अपने देश को ऐसा या तो प्रोटेक्ट करता हो या अपनी सोसाइटी को प्रोटेक्ट करता हो, आई थिंक वो बहुत ही पावरफुल चीज़ होती है, तो वो वर्दी जो है वो बहुत ही स्पेशल एंड उसका बहुत स्पेशल रिलेशनशिप होता है, तो मुझे वो एक्सप्लोर करना है। फेवरेट एक्टर कौन है आपका? मुझे मनोज बाजपेयी का काम बहुत अच्छा। उनकी सबसे अच्छी फिल्म कौन सी लगती है आपको? वो तो कई सारे हैं, बट आई थिंक जो फैमिली मैन में
उन्होंने जिस सॉफ्टनेस और ईज से वो कैरेक्टर प्ले किया है, जो इतना फनी और इतना हिलेरियस है काफी सीरियस सिचुएशंस में भी, मुझे वो बहुत मजा आया वो देख। जैन आपको कौन इंस्पायर करता है? मेरी फैमिली मुझे इंस्पायर करती है। अगर आपके ऊपर बुक लिखी जाए उसका टाइटल क्या होगा? वाओ, दैट्स अ रियली टफ क्वेश्चन। शायद मेंटल हेल्थ से रिलेटेड कुछ, शायद या मेंटल हेल्थ से रिलेटेड कुछ। आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप? क्योंकि अब आपकी धीरे धीरे एक फैन फॉलोइंग, एक एक्सटेंडेड फैमिली बनने लगी है, उनको कुछ बताना चाहोगे कैसे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, क्या करना है? आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मैंने जो भी काम आज तक किया है, जो यू नो वी हैव नॉट इवन अनाउंस दैट वर्क येट, बहुत ही रिस्पेक्टेड एंड गुड लोग के साथ किया, बहुत ही I'm very lucky in that sense, and I don't think I can say anything. जब वो announce करेंगे तब, you know, I will be able to indulge that conversation. But yeah, there is quite a bit of good stuff to expect. Thank you so much for giving your valuable time. And उम्मीद करते हैं ये जो आपका project है उसको बहुत ज़्यादा प्यार मिले और आगे हम और भी मिलते रहें आपके project दर project. Definitely. Thank you so much.